देखिए रूही सोकर उठ के अभी अभी आई है जस्ट। रूही हेलो बोलो बोलो, इधर देख के गुड मॉर्निंग। ये देखिए, और इधर चल रही थी प्रेस, और उधर लगे हैं मशीन में कपड़े। आप लोगों को बाहर का मौसम कैसा हो रहा है? आई थिंक आज बहुत दिनों बाद धूप निकल रही है। ये देखिए हल्की हल्की सी आज धूप निकल चुकी है, जय माता की। और रूबा आप क्या कर रहे हो? देखो रूही क्या कर रहे हो आप, खेली खेली, वाओ। गाइस अब चलते हैं और कुछ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए रूही के पापा जा रहे हैं काम में, तो रूही खड़ी हो गई है। पापा पैछे दो, अब हो गया या और चाहिए? हो गया। कितने पैसे लिए आपने पापा? छे दो हजार 2000 दिखाना जरा, 2000। चल पागल। इसमें और रूही आ चुके हैं पार्क, घर पे ये नहा धो के पार्क में आए थे, तो हम सोचा मार्केट चलते हैं, कुछ काम था। तो मैं दिखाती हूँ रूही क्या कर रही है। ये देखिए रूही क्या कर रही है, कैप लगा रहे हो आप, दिखाओ। अरे वाओ, रूही को रूही मार्केट जाए और कुछ लेकर आए, ऐसा हो नहीं सकता। और आज लोहड़ी, तो ये देखिए हमारी सोसाइटी में हो रही है तैयारी। गाइस पार्क से आ चुकी है रूही और चश्मा लगा के पानी पी रही है। कौन पीता है बेटा ऐसे? रूही कौन पीता है? चमाम चाला गुन्ना गुन्ना हंसी आ रही है। करना है आपको पापा से बात करनी है, मुझे पापा से बात करनी है। चलिए मैं उनको पहले वीडियो कॉल करवाती हूँ। रूही सो के उठ चुकी है, बज चुके हैं शाम के 5, और बाहर का मौसम दिखाती हूँ, हो रहा है बादल। ये कबूतर तो हमारे यहाँ बैठे ही रहते हैं 24 घंटे। ये देखिए आज बादल हो रहा है, ऐसा लग रहा है बारिश आएगी, इसलिए मैंने कपड़े उठाए और ले जाकर रूही सो रही थी। रूही के उठने से पहले पहले मैंने रख दिए हैं यहाँ पर, सब फैला दिए हैं, ये आराम से सूख जाएंगे अब कल सुबह तक। आपको क्या खाओगे, क्या बनाऊँ आपके लिए, क्या खाओगे बेटा? कैसे देख रही है रूही सो के। बनाती हूँ रूही के लिए फटाफट से खिचड़ी, और फिर कुछ डिनर की तैयारी करती हूँ, देखती हूँ डिनर में क्या बनाऊंगी। खिचड़ी मैंने रख दी है बनने, और अब मैं जा रही हूँ और प्याज छीलने। और ये रूही कुछ अनबॉक्सिंग कर रही है, कुछ कुरियर आया था उसका। इन सबको छील के आराम से इनको ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में, क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की सब्जी। तो कुछ रेसिपी मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी। आज मैं बनाऊंगी सिंपल वाली पनीर की सब्जी। डाल दिए कढ़ाई, अब इसमें डालती हूँ फटाफट से सरसों का तेल। इसे मैंने मंगाए हैं टमाटर, अब देखिए रूही टमाटर लेने गई है, फटाफट से ले आओ। बहुत सारे टमाटर दे दो मेरे को, दो लाओ, वन और दो, थैंक यू, और दो, वन और ले आओ। हाँ क्योंकि मैं इसमें प्याज और लहसुन कम, इसमें टमाटर में ज्यादा बनाऊंगी, इसको वन और ले आओ बेटा। हाँ पहले डालेंगे तेज पत्ता, अब उसके बाद डालते हैं इसमें लहसुन और प्याज। रूही ने मुझे कितने सारे टमाटर ला के दिए हैं। रूही इनको वापस रख के आओ, क्यों? हाँ इन दोनों को रख दो बेटा वापस, और इसको भी, बस ये 4 डालूंगी मैं। ओके ओके, मैंने टमाटर की प्यूरी बनाकर ऐड कर दी है, अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही भूनूंगी। स्टार्ट करते हैं मसाले निकालना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर, और ये है थोड़ा सा पनीर मसाला, और थोड़ी सी हल्दी। और इधर भून रहा है टमाटर, मैं ऐड कर दिए हैं मसाले, अब इसको अच्छे से पकाएंगे। मसाला पकता है तब तक हम कट कर लेते हैं पनीर। रूही को देखिए क्या करें, क्या चाहिए आपको? ये खाना है, अभी देती हूँ। ये गाइस मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें डालूंगी ये थोड़ी सी मलाई, इसमें ऐड करूंगी। बेटा रुक जाओ, ये देखिए मलाई डाल के कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इसमें ऐड करूंगी दूध, देखिए सब्जी को मैंने पकने के लिए रख दिया है, अभी थोड़ी देर पकेगी। धनिया है नहीं, धनिया अभी मार्केट जाऊंगी तब लेके आऊंगी।
ये देखिए रूही को एक और कुरियर मिल गया है अनबॉक्सिंग करने के लिए, और इसको अनबॉक्सिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक है। खोलो खोलो, इसमें क्या है? शूज। आपको कैसे पता इसमें शूज हैं? नानू शूज हैं। आ चुकी है रूही की दलिया, और रूही रेडी है खाने के लिए। आपको भूख लगी है? खिची खाना है मुझे।